में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए सामग्री देख लेते हैं। पहले हम पनीर की कोटिंग की, ये पनीर लिया है हमने 300 ग्राम, थोड़े से एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, दही, नमक स्वाद के अनुसार या आधा चम्मच, ये थोड़ी सी हल्दी और 3 चम्मच बेसन। चलिए हम इसमें सामग्री मिला लेते हैं। ये दही हमने दिया है आधी कटोरी से थोड़ा सा कम। डालेंगे बेसन 3 चम्मच लिया है, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है इसकी 1 चम्मच लिया है, धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। ये पूरा मसाला हमारा इसमें मिल चुका है अच्छे से, पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं किया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने पनीर कुछ छोटे और कुछ बड़े पीसेस में ऐसे कट कर लिए हैं, मोटे मोटे सारे पनीर इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसमें कोट कर देंगे। सारे पनीर को डाल दिया है और इसको हम इस तरीके से बराबर से बिल्कुल मिक्स कर देंगे ताकि पनीर में पूरी कोटिंग हो जाए अच्छे से। ये देखिए पनीर में हमारा अच्छे से पूरा मसाला कोट हो चुका है। अब हम इसे फ्रिज में 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गया है, हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। ये देखिए पनीर में पूरा मसाला अच्छे से कोट हो गया है। अब चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने ये एक पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे और इसमें डाल देंगे तेल डाल देंगे थोड़ा सा। ये जो हमने पनीर में मसाला कोट करके रखा है इसको एक एक करके डालेंगे, सारे पनीर को डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये पनीर के सारे टुकड़े हमने इसमें डाल दिए हैं और गैस को मंदी कर देंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है एक तरफ से, हमने इसको अच्छे से पूरा पलटा दिया है सारे। अब इधर भी सिक जाएंगे तो हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमारे दोनों तरफ अच्छे से पनीर टिक्का पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास पनीर और बचे हैं उनको तलेंगे। इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। देखिए सारे पनीर टिक्के हमारे सीख चुके हैं और हमने इसको एक प्लेट में निकाल के रख दिया है। चलिए हम गैस पे पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे। थोड़ी देर ये कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। मूंगफली डालेंगे, इसको मूंगफली को भूनेंगे, हम इससे मसाला तैयार करेंगे। ये देखिए हमारी मूंगफली अच्छे से सीख चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल करके और ठंडा होने के लिए रख देंगे। पैन में तेल डाल दिया है और थोड़ी देर के लिए इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा गर्म हो गया, इसमें डालेंगे जीरा और इसमें ये हमने प्याज और लहसुन छीने करके रख दिया है। इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखिए हमारे प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और थोड़ी देर इसको पकने देंगे। गैस को मंद कर देंगे और इसको ढक कर के रख देंगे 2-4 मिनट के लिए। ये देखिए ये हमारा मसाला पक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल करके रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये हमने मसाले को एक प्लेट पे निकाल लिया है और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। हमारा प्याज टमाटर ठंडा हो रहा है जब तक हमें मूंगफली को पीस लेंगे। ये देखिए हमने इसके छिलके उतार करके रख लिया है। ये देखिए मूंगफली को हमने अच्छे से पीस लिया है और ये प्याज टमाटर जो हमने छौंका था उसको भी पीस करके रख लिया। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए गैस पे हमने पैन रख दिया है और तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। गर्म हो गया है, हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच लिया है धनिया पाउडर और इसी में डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच लिया हल्दी पाउडर क्योंकि हमने कोटिंग में भी हल्दी उपयोग किया था और इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची है 1 चम्मच और ये थोड़ा सा पनीर मसाला ले लिया है, ये ऑप्शनल है।
इसको सबको अच्छे से थोड़ा सा इस तरीके से हिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना ये जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा है। ये देखिए हम मसाले को थोड़ा सा पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये हमने मूंगफली को पीस करके रखा था उसको डाल देंगे और इसे भी अच्छे से पकने देंगे। ये मसाला हमारा चारों तरफ से तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब ये मसाला हमारा पूरा पक करके तैयार हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, एक गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक दिया है क्योंकि हमने जो पनीर में कोटिंग डाली थी उसमें भी नमक डाली थी, इसलिए ध्यान से नमक। और हम इसको ढक करके रख देंगे। देखिए 3 मिनट हो गया है, इसमें अच्छी बाल आने लगी है। अब हम इसमें अपना ये पनीर टिक्का डालेंगे और इसे चला देंगे और इसे ढक करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए 6 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा पनीर भी अच्छे से पक चुका है। ये देखिए पनीर टिक्का मसाला कितना अच्छा दिख रहा है, ये पनीर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। दबाकर हमने देख लिया है, चेक कर लिया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये पनीर टिक्का को हमने सर्व कर दिया है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिए।